तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इस 50 वाट की एलईडी लाइट को रिपेयर करने वाले हैं। ये स्ट्रीट लाइट है जो काफ़ी लंबे फोकस के लिए यूज की जाती है और अभी जो है इसकी काफ़ी सारी एलईडी जल नहीं रही है, मतलब इसका जो एलईडी पैनल है उसमें काफ़ी सारी एलईडीज ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जो इसे रिपेयर करने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एलईडी यहाँ पर ख़राब हुई है। जो एलईडी नहीं जल रही थी वो एलईडी ऊपर से ब्लैक हो रखी है, आप लोग बाहर से भी उसकी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च भी किया और ऑफलाइन मार्केट में भी ट्राई किया, लेकिन मेरे को जो है ये वाला एलईडी पैनल यहाँ पे नहीं मिला था सेम टू सेम। तो और भी 50 वाट का कोई और पैनल मिल जाता ड्राइवर बेस्ट तो मैं वो भी खरीद लेता, लेकिन मेरे को जो नहीं मिला। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक जुगाड़ करने वाले हैं, तो वो आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस DOB पैनल को देखते हैं, अगर इसमें खराबी क्या है, कैसे हुई यहाँ पे खराबी। तो हमको वैसे नज़र आ गई है कि इसके जो LED चेक खराब हो चुके हैं, वो हुए कैसे। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, LED पैनल के जो ऊपर के LED ऊपर की साइड और जो किनारों का LED है वो खराब हुए हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो इसके नीचे छुपा हुआ था, वो था इसका थर्मल पेस्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इसका थर्मल पेस्ट है वो बिल्कुल इसके सेंटर में लगा हुआ है। इसको अगर पूरी LED पे पूरे पैनल पर जो अच्छे से लगाया होता ना, तो ये पूरा LED पैनल जो अच्छे से कूल डाउन होता। यहाँ पे जो सेंटर से थे ये कूल डाउन हो रहा था, लेकिन किनारे से जो काफ़ी ज़्यादा हीट हो गए, इसकी जो LED है वो ख़राब हो गई। यहाँ पे जो है अब ये पैनल काम का नहीं रहा, तो ये ड्राइवर भी हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसको जो है यूज ज़रूर करेंगे, यहाँ पर किसी और काम आ जाएगा। तो हमको जो इसके अंदर से इसे रिमूव कर देना है LED पैनल और इस LED ड्राइवर को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इतना कुछ होता है इस LED लाइट के अंदर। यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ, ये जिसने भी ये लाइट खरीदी है उसने 1200 रुपये में ये लाइट खरीदी थी और यहाँ पे 6-7 महीने बाद ये ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे इसकी 12 महीने की वारंटी थी, लेकिन बिल खो जाने की वजह से जो है वो वारंटी क्लेम नहीं कर पाए। तो अभी मैं आपको बता दूँ इसका जुगाड़ हम लोग करेंगे, ये 50 वाट का DOB पैनल। यहाँ पे एक चीज़, जब मैंने इस लाइट को असेंबल करा था उसके बाद मेरे को पता चले कि अगर आप लोग यहाँ पे 2 पैनल यूज करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये पैनल सिर्फ 55 रुपये में मैंने ख़रीदा है, तो जहाँ से भी मैंने खरीदा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोग अगर इस तरह की 50 वाट की LED लाइट को रिपेयर करते हैं, तो आप लोग 2 पैनल यूज करेंगे, 50-50 आपकी लाइट 100 वाट की बन जाएगी। यहाँ पर जो 2 पैनल है, ये पैनल थोड़ा साइज़ में छोटा है, इस वजह से दोनों पैनल पास पास में आ जाएंगे, तो जो है काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस मिलेगी। यहाँ पे हम लोग जो है पुराने वाले थर्मल पेस्ट का यूज करेंगे इस नए वाले DOB पैनल को इस पर चिपकाने के लिए। यहाँ पे हम लोग जो है जितना हमने यहाँ पे मार्क कराया LED के साइज़ का, उतने पूरे में थर्मल पेस्ट लगाएंगे ताकि हमारा जो DOB पैनल है वो अच्छे से कूल डाउन हो। ये जो DOB पैनल है इसके लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके ऑनबोर्ड ड्राइवर है। इसके ऊपर एक ब्रिज रेक्टिफायर और 2 जो है SMD चिप लगी हुई SMD चिप। और यहाँ पे जो है हमको इसे अच्छे से दबाना है ताकि थर्मल पेस्ट और जो इसकी जो बॉडी है इसके बीच में गैप ना रहे और अच्छे से ये इस पर चिपक जाए। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आपके पास ड्रिल वगैरह हो तो आप जो है हॉल करके इसको स्क्रू से टाइट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ड्रिल नहीं थी, तो यहाँ पर जो है मैं यूज़ करूँगा M-Seal का। इसको पूरी तरीके से M-Seal से यहाँ पर चिपका दूँगा और 5-6 घंटे सूखने के बाद जो है ये अच्छे से टाइट हो जाएगी। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा से मतलब बेकार सी लग रही बाहर से दिखने में, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। और यहाँ पे पहले हम लोग वायर को कस देते हैं, और जो एक्स्ट्रा वायर बचा हुआ है ये है अर्थिंग का वायर है, जो कि हमारा इसमें कनेक्शन नहीं है। तो अभी आपको लेना है एक एल्यूमिनियम फॉइल और साइड साइड के जो किनारे हैं इनको कवर कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा रिफ्लेक्टर इसके ऊपर आएगा तो हमें साइड से जो M-Seal नज़र नहीं आएगी और ये काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। यहाँ पे जो है DOB पैनल मेरे पास छोटी साइज़ का है, तो अगर आप लोग बना रहे हो ऐसा कुछ तो आप लोग 2 पैनल खरीदिए और दोनों को पास पास में लगाएंगे। यहाँ पे 1 पैनल है तो मेरे को सेंटर में लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग इस रिफ्लेक्टर को वापस इसके ऊपर लगा देंगे। तो गाइज अगर आप लोग इस तरह के जुगाड़ की वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं, यहाँ पर जुगाड़ के साथ काम जो काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन काफ़ी सस्ते में जो है हमारा काम हो गया है। ये 1200 रुपये की लाइट सिर्फ 55 रुपये में सही हो गई। तो इस तरह के वीडियोस अगर आप लोग और देखना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, अन्यथा ना करें। और यहाँ पे हम लोग जो है इस लाइट को दोबारा से जो है बंद कर देंगे जिस तरीके से पहले थी। तो अभी जो है हमारे ये पैनल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, ये LED लाइट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है यूज के लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमने जो है काफ़ी अच्छे से थर्मल कंपाउंड जो हीट सिंक पेस्ट जो होता है वो अच्छे से हमने लगाया है,
तो इससे जो है ये काफ़ी लंबी लाइफ इसकी होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट चलने के बाद ये जल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ड्राइवर वाला LED पैनल होता है उसकी ब्राइटनेस इस नॉर्मल DOB पैनल से थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा भी नहीं मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा फ़र्क इसमें होता है। तो अगर आप लोग दो पैनल अगर पास पास में लगाते हैं तो उसकी ब्राइटनेस जो ड्राइवर बेस्ड LED पैनल है उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना गाइस। आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।